हाउस वाले मैम आपका नमस्ते, मैं इनुश्री और सबसे पहले मैं भोजपुरी ऑडियंस को नमस्ते बोलना चाहूँगी और एपी बर्ड्स के प्रोड्यूसर अनीस जी, डायरेक्टर अशोक घोष और राइटर आयुष ठाकुर जी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने अपनी फिल्म गंगा सागर में मुझे काम करने का मौका दिया। बात करें, आज गाना रिकॉर्डिंग से फिल्म शुरू होने जा रही है, पूरी टीम को आप भी इस टीम में शामिल हैं जी, क्या विश करनी चाहेंगे आप अपने पूरी टीम को? सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि इतने बड़े सिंगर उदित जी यहाँ पे आ रहे हैं और गाना गा रहे हैं, उनके साथ पहली बार मुझे काम करने का मौका मिल रहा है और मैं सबको बहुत सारी विशेज देना चाहूँगी और अपने आपको खुद भी विश करना चाहूँगी कि मैं ऐसे ही आगे काम करते रहूँ। और उदित जी के गानों को मैंने इतना सुना है और अभी उनके साथ काम कर रही हूँ तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनके लिए क्या कहना चाहूँगी? डायरेक्टर जी अशोक घोष है, इन्होंने बहुत सारी फिल्में की हुई हैं, भोजपुरी की इनकी पहली फिल्म है और मतलब बहुत अच्छा होना उन्होंने मतलब लास्ट रिस्पॉन्स और एक्सपीरियंस उनका बहुत अच्छा है तो उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आएगा और उनसे कुछ सीखने को भी मिलेगा मुझे और मैं रेडी हूँ इन सब चीज़ों के लिए। प्रियंका मैम फिल्म प्रोड्यूसर हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? प्रियंका जी और अनीश जी दोनों ही प्रोड्यूसर हैं और मैं दोनों को ही बहुत अच्छे से जानती हूँ, दोनों ही बहुत अच्छे हैं, वेल नेचर है और बहुत सपोर्टिव है, बहुत क्रिएटिव है और बस जल्दी फिल्म चालू हो जाए और हम लोग सब साथ में एज ए टीम काम करें और मजा करें। आपकी आने वाली फिल्में कौन कौन सी हैं? ये गंगा सागर तो अभी शुरू होगी, उसके बाद अपराधी है और मेहंदी लगा के रखना है और भी बहुत सारे हैं अभी लाइन में, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा एकदम से आपने पूछा तो। ओके, थैंक यू, थैंक यू, नमस्ते। फिल्म को गाना रिकॉर्डिंग से शुरुआत हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो थैंक्स टू रोमी जी, प्रियंका जी, मेरे टीम मेंबर्स, मेरी यूनिट और सबसे बड़ी बात है आई लव माय वाइफ मॉम और दिस इज़ माय फर्स्ट फिल्म इन भोजपुरी। आई डिड मोर देन 100 इन अदर लैंग्वेजेस एंड विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड आई एम वर्किंग विद सलमान जोशी, नायरा बैनर्जी, द टाइटल इज़ राम भाई, इन दिस मंथ आई एम गोइंग ऑन द फ्लोर। सर बात करें इस फिल्म के जो हीरो हैं मनोज आर पांडे जी, क्या कहना चाहेंगे उनको आप डायरेक्ट करने जा रहे हैं? सर उनको मैं मिला, बहुत मजा आई, एकदम स्पॉटी लड़का है, एकदम बाहुबली टाइप का लड़का है, उससे बहुत मजा आएगा बिकॉज जो आदमी सिनेमा के लिए बनता है, वी बॉर्न फॉर ए सिनेमा, सिनेमा के लिए जो बनता है उसके साथ कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होता है, उनको कुछ करना है, करके दिखाना है जी। बात करें इसमें जैसे कि जो फिल्म के प्रोड्यूसर साहिबा हैं, अनीश जी हैं, प्रियंका जी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? और पहले तो थैंक्स टू आयुष ठाकुर जो इस फिल्म का राइटर है, उन्होंने मुझे बहुत ट्रस्ट किया मेरे पे एज ए डायरेक्टर ही एज अपॉइंट मी। उनके बाद थैंक्स टू प्रियंका जी, थैंक्स टू अनीश जी, थैंक्स टू रोमी जी जो इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्होंने बहुत ट्रस्ट किया और ट्रस्ट आई थिंक मैं बेस्ट ट्राई करूँगा ये फिल्म को बहुत अच्छी बना और आप सबका आशीर्वाद से ये फिल्म हिट हो और मेरे प्रोड्यूसर लाइन से कुछ ना कुछ करते रहे। ये सर शूटिंग कब तक होगी और पब्लिक कब तक इस फिल्म को देख पाएगी? शूटिंग तो मेरे प्रोड्यूसर कल से बोल रहे हैं, कल से करो, दे आर रेडी, बट डेट्स के प्रॉब्लम मेरे पास ही है, सॉरी। आई विल गो ऑन फ्लोर ऑन सितंबर फर्स्ट वीक बिकॉज मेरी दो हिंदी फिल्म है, उसके बाद ही मैं आई कैन कंप्लीट दिस। मदर डे पे ऑडियंस को क्या कहना चाहिए? मदर माँ माँ होती है सर, माँ का मुंह में कोई लफ्ज ही नहीं है, माँ सर माँ माँ है, क्या बोलूँ उनके लिए, उनके लिए कोई कोई शब्द नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मदर्स डे पे हमारा इस फिल्म का गंगा सागर का म्यूजिक का मुहूर्त है और सबसे बड़ी बात ये है कि वी हैव गॉट ए गुड टीम लाइक अशोक दीप हु इज़ आवर म्यूजिक डायरेक्टर, उदित जी जो पहला गाना रोमांटिक गा रहे आज, थैंक देम, थैंक्स टू देम, मैं तो बहुत बच्चा हूँ उन लोग के सामने, कुछ नहीं हूँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले आप लोगों का नमस्कार और हमारी भोजपुरी ऑडियंस को गोड़ लगाता नहीं,
पहली बार जीवन में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक एक्टर से राइटर रहूँगा। मैंने कुछ लिखा, चीज़ें लिखी, अपनी स्टोरियाँ। पहला मेरा फिल्म, पहला एल्बम मेरा भोजपुरी था, और मैंने उस भोजपुरी, उस मिट्टी को कभी मैं छोड़ नहीं पाया ना खो पाया, इसलिए मैंने फिल्म गंगा सागर लिखी। और अनीस जी जो मेरे प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने मुझ पर फेथ किया, उसको सुना, और मैंने डायरेक्टर सर को सुनाया ये फिल्म। मेरे जो अशोक घोष डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी रोमांटिक फिल्म है, इसको करते हैं। एक्चुअली भोजपुरी सिनेमा को जो मैंने देखा, अभी तक मैं जो देखता आया, शायद हमारी मिट्टी को कुछ लोगों ने अलग तरीके से प्रेजेंट किया, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इस खुशबू और इस मिट्टी को, भोजपुरी जो लैंग्वेज है, उसको मैं अलग, एक अलग स्थान पर, जो पवित्र स्थान है, उसको मैं लेके आऊँ। और वैसे मेरी टीम बहुत अच्छी है, मेरे हीरो आर राजकुमार पांडे जी, मनोज पांडे जी, जिन्होंने, मतलब मेरी पहली मीटिंग थी, उनको मैंने बस कुछ स्टोरी सुनाई पूरी, उन्होंने मेरे ऊपर हाथ रखा और मेरी चीज़ों पे क्रिएट किया। तीनू श्री मेरी फिल्म की हीरोइन, एंड अशोक भैया, अशोक दीप जी, मेरा बहुत पुराना रिलेशन है उनसे, मुझे छोटे भाई की तरह मानते हैं वो, और उन्होंने मुझ पर हाथ रखा मेरे ऊपर, और हम लोग आज पहला गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं फिल्म गंगा सागर के लिए। किस तरह की स्टोरी है सर ये? सर ये फुल रोमांटिक स्टोरी है, और गंगा सागर जैसा नाम सुनते हैं आप, एक गंगा है जो एक धरा से निकलेगी और सागर में मिलेगी आके, वो प्रेजेंटेशन आप फिल्म के अंदर देखेंगे। और उदित जी इस गाने को गा रहे हैं, एक फुल रोमांटिक गाना है, मुझे बेहद खुशी। किस तरह के बोल हैं सर गाने के? गाने के बोल आपको हमारे लिरिक्स राइटर और म्यूजिक डायरेक्टर वही दीप जी हैं, वो आपको बताएंगे। ऑडियंस के लिए मैसेज है कि गंगा सागर, जैसे कहते हैं ना कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, वैसे ही मैं कहना चाहूँगा कि सारी फिल्में बार बार और गंगा सागर।